सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। अगर आप कोई सामान इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री से, या फॉर एग्जाम्पल आप कोई सामान इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर, तो आपके लिए इनको टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इनको टर्म्स स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। इनको टर्म्स के हिसाब से ये डिफाइन किया जाता है कि सेलर के लिए एग्जैक्टली डिलीवरी पॉइंट क्या होगा, जहां से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हर टर्म के अंदर बायर की और सेलर की, यह डिफाइन किया जाता है इनको टर्म्स में। अब FOB भी ऐसी ही एक इनको टर्म है, जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्री ऑन बोर्ड। अगर मैं उसे और थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो वो होता है फ्री ऑन बोर्ड शिप। तो अगर हम शिप की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि पानी के रास्ते वो सामान जाएगा। तो ये वाली जो टर्म होती है ये खाली सी ट्रांसपोर्ट या रिवर ट्रांसपोर्ट में ही यूज होती है। और इसके अंदर क्या एग्जैक्टली बायर या सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, किस पॉइंट पे सेलर बायर को हैंड ओवर कर देता है कार्गो, और कहां से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, इस बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि सेलर किस क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देता है बायर को। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट एग्जैक्टली क्लियर हो जाए। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं FOB की, जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्री ऑन बोर्ड। और ब्रैकेट में पोर्ट इसलिए लिखा गया है कि ये जिस भी पोर्ट पे लोड होता है कार्गो उसका नाम यहां पे आ जाता है। सो हम लिखते हैं FOB विशाखापट्टनम पोर्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये जो FOB है ये एक इनको टर्म है। इनको टर्म का मतलब है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म। ये ICC जो इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है उसने 11 इनको टर्म्स इसी तरीके की बनाई हैं, जो बेसिकली एक स्टैंडर्ड डिफाइन करती हैं। मान लीजिए कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है कंट्रीज के बीच में, कोई बायर मान लीजिए चाइना में है और कोई सेलर इंडिया में है, तो कोई मतभेद ना हो, किसी तरीके का डिस्प्यूट ना हो, और लोगों को एग्जैक्टली पता हो कि किस पॉइंट तक मुझे डिलीवर करना है और उसके बाद किस पॉइंट से बायर उस कार्गो को उठाएगा और उसकी कहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होगी, उसके लिए इनको टर्म्स डिफाइन होती हैं। तो इनको टर्म्स की सबसे खास बात होती है कि ये डिलीवरी पॉइंट डिफाइन करती हैं कि किस डिलीवरी पॉइंट तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसके बाद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये जो डिलीवरी पॉइंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क हो जाती है। तो सेलर से ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉस्ट और रिस्क ट्रांसफर हो जाता है बायर की तरफ। तो अब FOB के अंदर ये कौन सा डिलीवरी पॉइंट होता है एग्जैक्ट, जहां पे ये ट्रांसफर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम देख लेते हैं। और उसके पहले हम थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है। तो अब मान लीजिए कोई बायर है, शंघाई में कोई स्टील फैक्ट्री है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहां पे। तो मान लीजिए शंघाई में कोई फैक्ट्री है जो आयरन ओर इंपोर्ट करना चाहती है इंडिया से, लेट्स से उड़ीसा के अंदर एक आयरन ओर माइन है और वहां से वो आयरन ओर इंपोर्ट करना चाहती है अपनी स्टील फैक्ट्री के लिए। तो क्या होगा, सेलर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा वेयर हाउसेज के लिए, जो भी वहां पे वेयर हाउसेज, मतलब आयरन ओर के केस में ये यार्ड हो जाएगा। तो आयरन ओर यार्ड हैंडलिंग चार्जेस जो होंगे वो सेलर बियर करेगा। उसके बाद उनको लोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की हो जाएगी। तो जो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन होगा, अब ये जो आयरन ओर है ये लैंड से ट्रैवल करेगा, अब ये रोड से भी ट्रैवल कर सकता है, ये रेल से भी ट्रैवल कर सकता है, तो वो वाले सारे चार्जेस सेलर को उठाने पड़ेंगे। तो उसके बाद कस्टम्स क्लियरेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है, फ्रेट फॉरवर्डर जो भी उसका लॉजिस्टिक्स हैंडल कर रहा है उसकी फीस भी उसी की है। फिर टर्मिनल चार्जेस होंगे, मान लीजिए ये कार्गो विशाखापट्टनम पोर्ट से एक्सपोर्ट हो रहा है तो जो भी विशाखापट्टनम पोर्ट के टर्मिनल चार्जेस हैं वो भी पे करने होंगे सेलर को। उसके बाद ये कार्गो लोड होना है शिप पे, तो विशाखापट्टनम पोर्ट में जो भी एक टर्मिनल होगा वहां पे इसको ये लेके आना होगा। उसके बाद इसमें एक थोड़ा सा फर्क होता है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी फ्री अलोंगसाइड शिप की। फ्री अलोंगसाइड शिप में क्या होता है कि वो टर्मिनल पे लाके छोड़ देता है कार्गो को सेलर जो होता है, और लोड वहां पे बायर कराता है शिप के अंदर। लेकिन फ्री ऑन बोर्ड के केस में ये जो लोडिंग होती है ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सेलर की। तो मैं इसमें यहां पे एक डिवीजन लगा देता हूं, यहां से लेके यहां तक ये सारी की सारी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो ट्रांसपोर्टेशन उसी को कराना है, कॉस्ट भी वही बियर करेगा, साथ में रिस्क भी उसका है। अगर कोई डैमेज हो जाती है कार्गो में
तो जो लॉस होगा वो भी सेलर को ही बियर करना होगा। तो ये जो लोडिंग तक, जब तक वो जहाज पे लोड हो रहा है, ये डिलीवरी पॉइंट है हमारा इस केस में। जो भी हम यहां डिलीवरी पॉइंट की बात कर रहे थे, ये डिलीवरी पॉइंट है कि वो लोड कराएगा जहाज के अंदर, तो ये डिलीवरी पॉइंट हो जाएगा। इसके आगे जो होगा खर्चा और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बायर की हो जाएगी। तो अब इसमें क्या क्या होगा, एक तो जो भी समुद्र से ट्रेवल करने का शिपिंग चार्जेस होंगे, ओशियन फ्रेट जिसे हम कहते हैं, वो बायर बेयर करेगा। साथ ही में कोई डैमेज ना हो जाए, जो रिस्क है उसके लिए उसको एक इंश्योरेंस भी करानी होगी, तो ये जो इंश्योरेंस है ये भी वही बेयर करेगा बायर। फिर अनलोडिंग चार्जेस जो होते हैं शंघाई पोर्ट पे, जो भी अनलोड होगा वो भी वो बेयर करेगा। कस्टम्स क्लियरेंस भी वो पे करेगा, साथ में इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो होंगी वो पे करेगा चाइना के अंदर। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन टू डेस्टिनेशन, जो पोर्ट से लेके फैक्ट्री तक का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की ही होगी। तो आपने ये देखा कि यहां पे ये जो मेन पॉइंट है, लोडिंग कराने के बाद यहां पे ट्रांसफर हो जाती है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की। तो एक बार अगर हमें हाइलाइट्स देखनी हो फ्री ऑन बोर्ड की, तो वो क्या क्या है। तो एक तो सबसे पहले फ्री ऑन बोर्ड जो है वो सिर्फ सी और इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट पे ही एप्लीकेबल होता है। ये रोड ट्रांसपोर्ट पे, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, रोड, एयर या रेल में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप अगर रोड, एयर या रेल से भेज रहे हैं कोई कार्गो, तो आप एफओबी यूज नहीं करेंगे। आप उस केस के अंदर एफसीए यूज कर सकते हैं, फ्री कैरियर होता है इसका मतलब। तो एफसीए क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। तो ये काफी कॉमन शिपिंग टर्म है फ्री ऑन बोर्ड, और ये एफएसए से, फ्री अलोंग साइड एफएसए मींस, यहां पे एफएएस है ये, सॉरी, फ्री अलोंग साइड शिप से ये ज्यादा कॉमन है और ये प्रैक्टिकल भी ज्यादा है। तो अब ये प्रैक्टिकल ऐसे है कि अगर मान लीजिए कोई सेलर यहां पे टर्मिनल तक हैंडल कर रहा है कार्गो को, तो अगर वो उसी को लोड कराएगा तो उसके लिए ज्यादा आसानी होगी अपनी कंट्री के अंदर। लेकिन बायर अगर उसको हैंडल करता है वहां पे लोडिंग को, तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो इसीलिए आईसीसी जो है वो फ्री ऑन बोर्ड को ज्यादा रिकमेंड करता है एफएएस के मुकाबले। और क्या इसके हाइलाइट्स हैं, एफओबी के अंदर ये कहा जाता है कि ये जनरली तभी यूज करना चाहिए जब बल्क कार्गो हो रहा है। अब बल्क कार्गो आप जैसा देख रहे हैं यहां पे आयरन ओर है। अब मान लीजिए यहां पे सेलर लेके आता है टर्मिनल पे, तो ये लोड करना काफी आसान है, डायरेक्टली शिप में लोड हो सकता है। लेकिन अगर कोई कंटेनर है, कंटेनराइज कार्गो है, मान लीजिए कोई गारमेंट्स एक्सपोर्ट होने हैं या कोई इन्वर्टर एक्सपोर्ट होने हैं, प्रिंटर एक्सपोर्ट होने हैं, तो वो क्या होंगे, वो कंटेनराइज कार्गो में जाएंगे। और यहां पे कंटेनर को लोड करने का टाइम नहीं होता है, और कभी भी टर्मिनल के ऊपर कंटेनर लोड नहीं होता है, तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या होता है, जनरली जो कंटेनर्स होते हैं वो फ्रेट फॉरवर्डर की लोकेशन पे होते हैं, या जो भी उसका मेन लॉजिस्टिक्स कैरियर है उसके वेयरहाउस में कंटेनर लोड होता है। तो आप जो बल्क कार्गो है उसके अंदर तो फ्री ऑनबोर्ड आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंटेनराइज कार्गो है तो उस केस के अंदर आपको एफसीए यूज करना चाहिए। तो यहां पे भी वही रिकमेंड किया गया है कि आपको कंटेनराइज कार्गो के लिए एफसीए को यूज करना होता है। उसके बाद एफओबी के अंदर, जैसा हमने पहले बात की कि वो गुड्स को एक्सपोर्ट के लिए क्लियर करता है और उसके बाद लोड भी कराता है शिप के अंदर, तो यहां पे लोडिंग चार्जेस की हमने पहले भी बात की थी कि सेलर ही हैंडल करता है। तो अगर हम एग्जांपल देखें यहां पे कि एक टर्म्स एंड कंडीशंस किस तरीके से लिखी जाती हैं, तो अगर 50,000 टन का आयरन ओर जाना है तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा, 50,000 टन्स आयरन ओर एफओबी विशाखापट्टनम पोर्ट इंडिया। तो अब ये फ्री ऑन बोर्ड विशाखापट्टनम पोर्ट, तो अब ये बायर और सेलर को दोनों को क्लियर होगा कि फ्री ऑन बोर्ड सेलर प्रोवाइड करके देगा विशाखापट्टनम पोर्ट पे, और लोडिंग होने के बाद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी उसको ट्रांसपोर्ट करना, और सारा का सारा कॉस्ट एंड रिस्क फ्रॉम शंघाई पोर्ट, नहीं ये शंघाई पोर्ट नहीं आएगा यहां पे, ये वाइजैक पोर्ट आएगा, तो ये वाइजैक पोर्ट होगा इस केस के अंदर। तो यहां वाइजैक पोर्ट के आगे सारी की सारी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, जैसा भी हमने बात की थी। उसके बाद सेलर को जो है डॉक्यूमेंटेशन देनी होती है पूरी की पूरी, जिसके अंदर आपकी एक तो कमर्शियल इनवॉइस आ जाती है, पैकिंग लिस्ट आ जाती है, या वुड पैकेजिंग सर्टिफिकेट आ जाता है। वुड पैकेजिंग सर्टिफिकेट जनरली जब कोई वुड पैलेट्स के ऊपर कोई सामान लोड होता है उस केस के अंदर होता है, तो आयरन ओर केस में ये होगा नहीं एप्लीकेबल। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहां पे आ जाता है ओशन बिल ऑफ लेडिंग। अब ये जो ओशन बिल ऑफ लेडिंग होता है ये एक टाइटल डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप कोई भी कार्गो एयर से भेजते हैं या रोड से भेजते हैं या रेल से भेजते हैं, उसके केस के अंदर जो बिल ऑफ लेडिंग होता है वो कंसाइनमेंट बिल ऑफ लेडिंग होता है। लेकिन जब आप सी से भेजते हैं तो ये जो बिल ऑफ लेडिंग होता है ये एक टाइटल डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए ये बिल ऑफ लेडिंग सेलर बायर को नहीं देता है तो बायर उसको ले जा नहीं पाएगा कार्गो को, क्योंकि उसके पास वो टाइटल ही नहीं होगा गुड्स का। तो
तो कई बार क्या होता है कि जो सेलर होता है वो पेमेंट अगर उसकी नहीं आती है तो वो कई बार होल्ड कर लेता है बिल ऑफ लेडिंग को, तो इसीलिए ये टाइटल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बायर को इंश्योर करना चाहिए कि वो सारी की सारी पेमेंट्स क्लियर कर दे सेलर की, उसके बाद ही उसको ओशन बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा। और साथ ही में सेलर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे के सारे ये क्लियरेंसेस कर दे कस्टम्स के, फ्रेट फॉरवर्डिंग के, और वो तभी क्लियर कर पाएगा जब उसकी पेमेंट हो जाएगी टाइम पे। तो आई थिंक मैंने सारे मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, फ्री ऑन बोर्ड में क्या क्या होता है, कहाँ पे डिलीवरी पॉइंट होता है, किस तरीके से कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेलर की होती हैं और बायर की होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे CFR के बारे में, जो होता है कॉस्ट एंड फ्रेट, उसके अंदर डिलीवरी पॉइंट क्या होता है और सेलर और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं हर रोज फाइनेंस के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं, तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब कर लें और अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।